Hi guys, how are you? I hope you will be good. Guys, हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे past indefinite tense के बारे में कि past indefinite tense को कैसे बनाया जाता है, कोई काम अगर past में हुआ है तो इसको हम कैसे बनाया जाता है। Guys, देखते हैं past indefinite tense affirmative sentence, हिंदी में उसको सकारात्मक क्रिया कहते हैं। Guys, subject plus भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। गैज हमने यहाँ पे वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री हमने लिख दिया है। गो, वेंट, गॉन। गैज जब कोई पास्ट की बात हो तो सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, चाहे प्लुरल हो चाहे वो सिंगुलर हो। चाहे आई, यू, वी, दे, ये प्लुरल हो गया, और ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो वो सिंगुलर हो गया। तो आइए हम देखते हैं गैज। गैज हमने पहला ट्रांसलेटर लिया, मैं दिल्ली गया था, तो आई, और सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म आई वेंट टू दिल्ली। I went to Delhi, मैं दिल्ली गया था। तुम स्कूल गया था। You went to school, You went to school, तुमने दिल्ली गया था। तीसरा है वह बाजार गया था। He went to market. He went to the market. वह बाजार गया था। मोहन खाना पकाया था। क्योंकि पास्ट की बात है ये, तो पास्ट में कभी हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। हमने पहले बता दिया है सेकेंड फॉर्म went। मोहन खाना पकाया था। मोहन और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पहला फॉर्म कोक और सेकेंड फॉर्म कोक्ड। द क्या पकाया था? खाना। मोहन कुक्ड द फूड, मोहन कुक्ड द फूड, मोहन ने खाना पकाया था। गाइस बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। Thank you very much.